नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटो देवी है। इंडियन वेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर आए हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो चलिए चल रहे हैं छत पे, वहाँ पे हम बनाएंगे रेसिपी। और वीडियो को हमारे आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो चलिए चलते हैं छत पे। तो आइए दोस्तों, हम आप सभी को बता दें हम बनाएंगे क्या। आज हम बनाने वाले हैं आलू फ्रेंच, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। तो जो आज हम आलू फ्रेंच बनाएंगे बिल्कुल अलग तरीके से बताएंगे और खाने में काफ़ी क्रिस्पी और कुरकुरी होगी। तो आप लोग अपने घर पे इस तरीके से आलू फ्रेंच बनाइए, खाइए, अपने परिवार को खिलाइए। तो आलू फ्रेंच बनाने के लिए हमने जो भी सामग्री लिया हुआ है आप सभी को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 आलू लिया हुआ है। आलू का छिलका हमने उतार कर इसे पानी में रखा है ताकि आलू जो है काले न पड़े। और यहाँ पे हमने धनिया की हरी पत्ती लिया हुआ है, चाट मसाला है, मिर्चा पाउडर है, नमक है और रिफाइन ऑयल है। तो सबसे पहले हम आलू को इस तरीके से काट लेंगे। तो ज़्यादा पतला नहीं काटना है, थोड़ा सा मोटा स्लाइस में काटना है। तो हमें लंबे स्लाइस में इसे काटना है। तो उसी तरह हम सारे आलू को काट कर रख लेंगे। तो इस साइज का हम आलू को काट कर तैयार करेंगे। तो आप सब पास से देख लीजिए, ना ही ज़्यादा हमने मोटा और ना ही ज़्यादा पतला हमने स्लाइस बनाया हुआ है। तो अब इसे हम पानी में डाल देंगे काटने के बाद। तो सभी आलू को हमने काट लिया है। तो अब हम आलू को 3 बार साफ पानी से धुलेंगे ताकि जो आलू में स्टार्च होता है पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और तभी हमारा आलू फ्रेंच बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो बहुत ही अच्छे से हमें इसे धुल लेना है। और यहाँ पे हमने 2 बर्तन में अलग से पानी रखा हुआ है धोने के लिए। तो हम दूसरे बर्तन में डाल देंगे आलू को। तो इधर वाले में आप सब देख सकते हैं कितना जो है स्टार्च निकला हुआ है, पानी बिल्कुल दूध जैसा आप सबको दिखाई पड़ रहा होगा, आप सब बात से देख लीजिए। तो अब दूसरे पानी में हम अच्छे से इसे धुलेंगे। तो बहुत ही अच्छे से हमें धुलना है 3 बार। तो इस पानी का भी कलर चेंज हो गया है, तो हम तीसरे वाले पानी में डालेंगे। तो इसमें भी हम बहुत ही अच्छे से धुलेंगे। तो 3 पानी आलू को हमने बहुत ही अच्छे से धो लिया है, आप सब देख सकते हैं। तो इसे हम एक बोले में रखेंगे। पानी हम उतना डालेंगे ताकि आलू जो है डूब जाए पानी में। तो भगोने में हम डाल देंगे 2 चुटकी नमक। और नमक हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि आलू के अंदर जो है नमक अच्छे से घुल जाए। तो इसे हम अच्छे से चला देंगे, उसके बाद हम आग को जलाएंगे। तो इधर आग को हमने जला लिया है, हाथ को हमने धो लिया है, भगोने को हम रख देंगे चूल्हे पर। तो आलू को हम इसलिए उबाल रहे हैं ताकि जो इसमें हम नमक डाले हुए हैं आलू के अंदर नमक अच्छे से घुस जाए और आलू में जो स्टार्च है वह निकल जाए और आलू हमारा हल्का सा मुलायम हो जाए। तो इसको हम एक उबाल तक उबाए पकाएंगे। तो आलू में हमारे उबाल आ गया है, अब हम भगोने को नीचे उतार लेंगे। तो अब हम आलू को भगोने से बाहर निकाल लेंगे। इसे हम ट्रे में रख देंगे फैलाकर। तो आप सब देख सकते हैं भगोने में काफी स्टार्च निकला हुआ है, आलू हमारा जो है आप सब देख सकते हैं कि मुलायम हो गया है। आप सबको भी दिखा रहे हैं, तो आप सब पास से देख लीजिए, आलू जो है पूरी तरह से इसमें लचक आ गया है। पूरी तरह से नहीं उबालना है, मुलायम होने तक इसे उबालना है। तो अब इसे हम फैला देंगे और 5 मिनट के लिए इसे हम धूप में रखेंगे ताकि जो इसमें पानी है पूरी तरह से सूख जाए। मिलते हैं 5 मिनट बाद। 5 मिनट हो गया है, अब आलू का जो पानी होता है पूरी तरह से सूख गया है, आप सब पास से देख लीजिए। तो किसी आलू में जो है पानी नहीं लगा हुआ है, सूख गया है। फ्रेंच को अब हम फ्राई करेंगे। तो हम चूल्हे पर रख देंगे कढ़ाई और कढ़ाई में हम डाल देंगे रिफाइन ऑयल। तेल को हम गर्म कर लेंगे।
तेल हमारा गरम हो गया है, आलू को अब हम तेल में डालकर फ्राई करेंगे। तो ज़्यादा तेज आंच नहीं करना है, मीडियम आंच करना है फ्राई करने के लिए। तो आलू को हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है, लेकिन हम एक बार में इसे फ्राई नहीं करेंगे, दो बार में फ्राई करेंगे। तो जब आधा आलू हमारा फ्राई हो जाएगा तो आधे पे हम इसे बाहर निकालेंगे, इसके बाद हम दूसरी बार इसे फ्राई करेंगे। तो आलू को हमने हाफ फ्राई कर लिया है, तो इसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे, दोबारा उसके बाद हम फिर से फ्राई करेंगे। तो इसी तरह हम सारे आलू को फ्राई कर लेंगे। तो सभी आलू को हमने फ्राई कर लिया है। आलू को हमने इस तरह से जो है फ्राई किया हुआ है, जब इसे हम दोबारा फ्राई करेंगे तो यह एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। तो आप सब देख सकते हैं, तो अब इसे हम दोबारा फ्राई करना शुरू करेंगे। तो काफ़ी अच्छा हमारा आलू फ्रेंच बनने वाला है, तो दोबारा इसे डाल देंगे फ्राई होने के लिए। दोबारा हम जब फ्राई कर रहे हैं तो आप सब देख सकते हैं कि हल्का सा जो है ब्राउन बहुत ही जल्दी से हो रहा है। तो बहुत ही क्रिस्पी हमारा आलू फ्रेंच बनकर तैयार होगा, आप सब पासे देख लीजिए। तो आलू फ्रेंच हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया, आप सब देख सकते हैं। तो काफ़ी क्रिस्पी हमारा आलू फ्रेंच बना हुआ है, आप सब पासे देख लीजिए कितना खनखनाहट की आवाज़ आ रही है। तो अब इसे हम एक बर्तन में रख देंगे। तो आप सब देख सकते हैं कितना जो है क्रिस्पी हमारा आलू फ्रेंच बना हुआ है, सब देख सकते हैं कितनी खखराहट की आवाज़ आ रही है। और इसी तरह हम सारे आलू को फ्राई कर लेंगे। तो सभी फ्रेंच को हमने फ्राई कर लिया है। तो आलू फ्रेंच हमारा बनकर तैयार है, आप सब देख सकते हैं कितना जो है क्रिस्पी बना हुआ, आप सब दोबारा खा देते हैं। तो आप सबको खखराहट की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। तो अब इसमें हम मिला देंगे मसाले। तो नमक हमने पहले से ही डाला हुआ है, थोड़ा सा नमक हम डाल देंगे। तो नमक को हमने डाल दिया है, ऊपर से हम डाल देंगे चाट मसाला। अब इसमें हम डाल देंगे मिर्चा पाउडर। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया की हरी पत्ती। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, आप सब देख सकते हैं। तो काफ़ी क्रिस्पी हमारा आलू फ्रेंच बनकर तैयार हुआ है। तो आप लोग अपने घर पे इस तरीके से आलू फ्रेंच बनाइए, खाइए, अपने परिवार को खिलाइए। तो अब इसे हम एक कटोरी में सर्व कर देंगे। इसे हमने सर्व कर दिया है। आलू फ्रेंच फ्राई हमारा बनकर तैयार है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।